हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं कविता आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ नूडल्स बच्चों के लिए, तो मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा और बताइएगा कैसी बनी हमारी रेसिपी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ये मैंने नूडल्स लिया है और मैं बनाने जा रही हूँ हक्का नूडल्स। तो आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ, मैं उसका पूरा रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक डाल दिया है और ये दूसरा डाल रही हूँ उबलते हुए पानी में। थोड़ा पानी बॉयल होने लगे तब मैं इसको डाल दूँगी। अभी ये बॉयल होगा और इसको प्रॉपर मिक्स करना है। गाइस आप देख सकते हैं मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और ये अपने आप बॉयल जब होने लगेगा तो अपने आप सही होने लगेगा। तो गाइस मैंने इसको 5-6 मिनट बॉयल कर लिया है। अब मैं इसको चेक करूंगी ये प्रॉपर कुक हुआ है कि नहीं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं अब मैं इसको हाथ में लेने जा रही हूँ और दबा रही हूँ, ये दब नहीं रहा है तो मतलब ये प्रॉपर कुक नहीं हुआ है। इसको 2-3 मिनट और बॉयल करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको 2-3 मिनट और बॉयल करने के लिए छोड़ देती हूँ और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ ताकि ये चिपके ना। जब मैं निकालूँ इसको वाश करके रखूँ तो ये चिपके ना एक दूसरे में, इसलिए ये ऑयल डालना ज़रूरी होता है। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। अब मैं इसको 3-4 मिनट उबालने के बाद फिर से चेक कर रही हूँ, तब ये आप देख सकते हैं ये प्रॉपर दब रहा है तो उबल गया है। अब मैं इसको ठंडे पानी से वाश करूँगी। तो गाइस इसको मैंने 2-3 बार पानी से धो लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल रिफाइंड ऑयल मिलाऊंगी और इसको प्रॉपर मिक्स करूंगी ताकि ये एक दूसरे से एकदम अच्छे से ना चिपके और प्रॉपर खिला खिला बने। ये इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए हैं। मैंने फाइनली चॉप किया है कैरेट एंड कैप्सिकम एंड ओनियन और इसको मैंने गार्लिक है और इसमें जिंजर है, मैंने इसको फाइनली चॉप कर लिया है। और आप देख सकते हैं रेड चिली सॉस लिया है मैंने और ये डार्क सोया सॉस लिया है और ये है वेनेगर। आप देख सकते हैं मैं चिंका ही यूज़ करती हूँ और ये है ग्रीन चिली सॉस। तो और मैं बारीक पत्ता गोभी भी काट ली हूँ और ये नूडल्स बॉयल करके मैं प्रिपेयर की ही हूँ। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल मिक्स कर लिया है ताकि ये चिपके ना। और ये मैंने काली मिर्च भी ली है, इसमें ऐड करूँगी जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है काली मिर्च का पाउडर डालने पे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हक्का नूडल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कढ़ाई रख दी है आप देख सकते हैं। तो अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी, पेस्ट दिखाती हूँ आपको। ये ग्राउंड नट का ऑयल यूज़ मैं हमेशा करती हूँ रिफाइंड के जगह, तो ग्राउंड नट का ही ऑयल मैंने इसमें डाला है आप देख सकते हैं। और इस हाई फ्लेम है तो अभी थोड़ा हल्का सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें स्टार्टिंग में ये जिंजर और गार्लिक पेस्ट कर जो बनाया है मैंने चॉप किया है उसको मैं डालूंगी सबसे पहले। और चेक करने के लिए मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ ये गर्म हो गया कि नहीं। अभी देख सकते हैं ये गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं ये सब डालना स्टार्ट करूँगी। देख सकते हैं ये गर्म हो गया है, अब मैं इसमें सीधे ये डाल दूँगी थोड़ा सा तो प्रॉपर ऐसा मिक्स करूँगी। इसमें ओनियन मिक्स करूंगी, सारी वेजिटेबल्स फ्राई करूंगी। आप चाहे इसमें और भी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें नूडल्स में मोस्टली यही डालती हूँ, ओनियन कुकुम्बर कैरेट एंड कैबेज ओनली। ये थोड़ा सा भून जाए तब मैं इसमें वेजिटेबल मिक्स करूंगी। अभी आप देख सकते हैं अभी तो मैं डाली इसको
दो मिनट लगेगा हाई फ्लेम में भूनने पे, दो मिनट तक भून जाए उसके बाद मैं डालती हूँ और भी वेजिटेबल्स। तो मेरा टूट चुके हैं, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा उसका कलर थोड़ा डिफरेंट हो गया है। अब मैं ये सारी वेजिटेबल्स, ये जो सारी वेजिटेबल्स है मैं इसको डाल दूंगी। मैं वन बाई वन डालती हूँ सारी वेजिटेबल्स। थोड़ा लो फ्लेम कर लेंगे, देख सकते हैं मैंने लो फ्लेम कर लिया है। नमक अब नहीं मिलाएंगे इसमें, क्योंकि नमक मिलाने में तुरंत पानी छोड़ने लगता है, ग्रीन वेजिटेबल है। जैसे ही आप नमक मिलाएंगे वैसे ही आप पानी छोड़ने लगेंगे तो नमक नहीं मिलाएगा। थोड़ा सा पक जाए तब हम नमक मिलाएंगे। इसको मैंने 5 to 7 मिनट छोड़ दिया था, आप देख सकते हैं थोड़ा पक चुका है, काफी पक चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा नमक ऐड करूंगी। 6 to 7 मिनट आपको छोड़ना है और बीच बीच में चलाते रहना है, ऐसा भी नहीं आप छोड़ के भूल जाइए, आप बीच बीच में चलाते रहिए ताकि जले ना नीचे से। हम देख सकते हैं प्रॉपर ये पक चुकी है वेजिटेबल। तो अभी मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, देख सकते हैं मैंने इसमें नमक और ब्लैक पेपर ऐड कर दिए हैं और इसको प्रॉपर मिक्स करूँगी। हाफ हाफ करके मैंने निकाला है, हाफ वेजिटेबल मैंने निकाल के साइड कर लिया है क्योंकि छोटी सी कढ़ाई है और प्रॉपर एक साथ मिक्स नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको हाफ हाफ करके कराऊंगी। तो गाइस अब मैं नूडल्स डालने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये नूडल्स गया इसमें कढ़ाई में, वाओ लुकिंग सो अमेजिंग। और ये आप देख सकते हैं थोड़ा ही थोड़ा बनाऊंगी ताकि प्रॉपर इसमें मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं अभी इसको प्रॉपर मिक्स करूंगी। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं मैं इसमें 2 टेबल स्पून वेनेगर डालूंगी और इसमें मैं साथ में ये ग्रीन चिली सॉस थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खा पाएंगे, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सा डालना है। और इसमें मैं डार्क सोया सॉस भी डालूंगी, इसको भी ज़्यादा नहीं 1 टेबल स्पून डालना है, थोड़ा सा और बस। अब मैं इसको प्रॉपर मिक्स करूंगी, आपको दिखाती हूँ ऐसे ऐसे ही प्रॉपर मिक्स करता है। और नमक अब मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा और, ये थोड़ा सा नमक मैंने ऐड कर दिया, बहुत ही यम्मी बनने वाला है, बच्चे खा के बताएंगे कैसा बना है, बच्चों की स्पेशल फरमाइश पे ये बना रही हूँ मैं। देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग और यूनिक कलर है, तो आपको कलर कैसा लगा आप ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही प्यारा कलर है और ये बन के रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको सर्व करूँगी। मैंने ये निकाल लिया है प्लेट में और छोटी खा रही है। छोटी कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना छोटी? अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।